केवल शपथ लो चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश को नष्ट करना है। प्रतिज्ञा करो, साहस बटोरो, बुझाएं तोलो, शेष मुझ पर छोड़ दो। परंतु गुरुदेव, गुरुदेव मगध साम्राज्य बहुत शक्तिशाली है। नहीं है, शक्तिशाली दिखता है उन्हें जो सतही दृष्टि से देखते हैं। नंद के प्रशासन में कोई सुखी नहीं है, सब तरफ असंतोष फैला हुआ है। कर की दरें ऊंची हैं, जीवन सुरक्षित नहीं, राजा लोभी और भ्रष्टाचारी है, राज्य सभासद पतनशील है, और तो और अमात्यगण भी दुखी हैं। गुरुदेव फिर भी अमात्य राक्षस हैं, यही ना? मैं जानता हूं, वही एक समस्या है, वही एक है जो गलत निष्ठा की पताका उठाए डूबते हुए राज्य को बचाने में लगा हुआ है। सही है चंद्रगुप्त, वही एक समस्या है, पर चिंता मत करो, हल तो हर समस्या का होता है, उसे ढूंढना पड़ता है। अमात्य राक्षस को भी घुटने टेकने पड़ेंगे, उसके पास स्वप्न नहीं है चंद्रगुप्त। अरे सम्राट सिकंदर घायल हो गए, अरे सम्राट सिकंदर भाई लोग घायल हो गए, अरे सम्राट सिकंदर घायल हो गए, सम्राट सिकंदर घायल हो गए। सम्राट कैसे? ये मैं नहीं जानता, जो सुना है बता रहा हूँ, सम्राट सिकंदर घायल हो गए। सम्राट सिकंदर कैसे घायल हो गए? सुना है कि रास्ते में मगध के सिपाहियों ने छुपकर हमला किया था। सिपाहियों तुरंत कूच करो। विश्व विजेता यूनानी सेना के वीर सेनानी बने फिरते हो तुम, यूनानी साम्राज्य के आधार स्तंभ, शर्म आनी चाहिए तुम कापुरुषों को। एक ऐरा गैरा सिकंदर की छावनी में आता है और बिना तलवार उठाए 2000 यूनानी सैनिकों में दहशत पैदा करता है, भगदड़ मचा देता है, और हमारे महान सेनापति, सिकंदर के महान सेनापति उसे बंदी तक नहीं बना पाते, और यह भी नहीं जान पाते कि वह कौन था, कहां से आया था, कौन था वो सेल्यूकस। पूरी यूनानी साम्राज्य के महान शत्रप सेल्यूकस ने कहा तौर, क्या आप हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन था वो सम्राट? वो मगध के नंद के जासूस रहा होगा। मगध के नंद का? उसे तो हमारी प्रगति से, हमारी बढ़ती हुई ताकत से चिढ़ होनी है। सम्राट हमें उसके खिलाफ दोस्त तैयार करने चाहिए। हमें समाचार मिला है कि तक्षशील का चाणक्य विष्णुगुप्त नंदवंश का सफाया करने पर तुला है। अगर हम उसके साथ और उसके वीर शिष्य चंद्रगुप्त के साथ गठबंधन कर सके तो शायद। एक बुद्धिमान गुरु और दूसरा उसका शूरवीर युवा शिष्य। सेल्यूकस, हमारे तक्षशील पहुंचने पर उन दोनों से हमारी मुलाकात का इंतजाम करो। प्रणाम गुरुदेव। चंद्रगुप्त इनसे मिलो, ये हैं अभिनय सम्राट कीर्ति ध्वज। दारू वर्मा का नाम धारण कर सपेरे के भेष में सिकंदर की छावनी में घुस गया। इसने वहां वो गजब ढाया कि लगभग पूरी छावनी विद्रोह कर उठी। बहुत अच्छे, ये लो अपना पुरस्कार। गुरुदेव, सिकंदर और उसके सेनापति सेल्यूकस दोनों को पूरी तरह विश्वास हो गया है कि सिकंदर के घायल होने की अफवाह नंद के जासूसों ने फैलाई है। नंद के जासूसों ने? जी गुरुदेव। उत्तम, अति उत्तम। परंतु गुरुदेव इससे हमें क्या लाभ? बालक हो वृषल, भूल गए मैंने क्या लिखा है? शत्रु का शत्रु मित्र होता है। हमें इस आपसी संदेह को भुनाना होगा। यूनानियों का नंद के प्रति संदेह हमारे लिए लाभकारी साबित होगा। गुरुदेव यूनानी हमारे मित्र और सहयोगी कैसे हो सकते हैं? हम उन्हें कुचल देंगे। हम नंद को और यूनानियों को हरा कर रहेंगे, पर तभी जब समय को अपने अनुकूल बना लेंगे। एक वक्त
एक ही शत्रु से भिड़ना चाहिए। हमारा पहला शत्रु है नंद, और अब नंद का शत्रु है यूनानी सिकंदर। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है यूनानियों के साथ मैत्री समझौता। आप जानते ही हैं कि विपाशा नदी तक के भूभाग पर हमारा अधिकार हो गया है। महाराज आंभीग, महाराज पौरव और सेल्यूकस हमारे क्षत्रपों की हैसियत से प्रशासन का कार्य कर रहे हैं, परंतु भूभाग पर विजय पाना हमारा एकमेव लक्ष्य कभी नहीं रहा है। हमारी कामना है एक नई और महान संस्कृति और सभ्यता का उदय देखना, और उदय होगा तब भी जब यूनान और भारत की कलाएं, विधाएं, ज्ञान विज्ञान और संस्कृतियों का संगम होगा, क्योंकि यूनान और भारत के लोक समाज ही एकमात्र सुसभ्य समाज है। विद्वान आचार्य, हम इस प्रयास की सफलता के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। संस्कृतियों का संगम अद्भुत विचार है। धन्य हो। धन्य हो। धन्य हो। आचार्य चाणक्य, आप मौन क्यों थे? मैं सोचता था सम्राट कि शब्दों के संगीत में तल्लीन हो जाना हम भारतीयों की विशेषता है। लगता है आप पर भी रंग चढ़ गया है। आपकी योजना आकर्षक है, पर क्या इसे यथार्थ की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए? अभी यहां यूनानी सत्ता स्थिर नहीं हो पाई है। मुझे लगता है आप सूखे चमड़े के एक सिरे को पांव तले दबाकर खड़े हैं, इसीलिए दूसरा सिरा उठा हुआ है और हवा में झूल रहा है। कोई व्यक्ति दृढ़ता से मध्य में पांव जमाकर खड़ा नहीं हो जाता तब तक यह चमड़ा स्थिर और अचल नहीं हो पाएगा। आपकी कामनाएं केवल कामनाएं बनी रहेंगी, उस पर सफलता के फूल नहीं खिलेंगे सम्राट। वो भी होकर रहेगा, फूल खिलेंगे आचार्य। आप जो सोचते हैं उससे पहले, लेकिन हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमारे आशीर्वाद की आवश्यकता क्यों मानते हैं? आप दिग्विजयी सम्राट हैं और मैं ठहरा निर्धनता का व्रत लेने वाला एक शिक्षक। मेरे आशीर्वाद का मूल्य ही क्या है? हमें आपकी ठोस मदद भी चाहिए आचार्य, आपकी और आपके युवा शिष्य की। उसके बारे में मैं बातचीत करने को तैयार हूं, क्योंकि ठोस कार्य ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा सार्थक होता है। हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। मुझे प्रसन्नता है। बात पूरी होने दीजिए। कहिए। मेरी दो शर्तें हैं। कह डाले। पहली शर्त, नंद को पराजित करने में आपका सहयोग चाहिए हमें। और दूसरी शर्त? और हमारे गठबंधन को मजबूत करने के लिए आपके सेनापति सेल्यूकस अपनी पुत्री एलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करा दें। चंद्रगुप्त से, जो मगध का भावी सम्राट है। आपकी शर्तें काफी गंभीर है आचार्य। क्या समझौते में उस यूनानी कन्या के साथ मेरे विवाह की शर्त भी शामिल है गुरुदेव? हाँ, वही एक शर्त है जो समझौते की नींव है। चंद्रगुप्त, तुम मगध का सम्राट बनना चाहते हो ना? या तुम्हारे पांव लड़खड़ा रहे हैं? मेरा निर्णय अटल है आचार्य। मैंने नंद वंश को जड़ से समाप्त कर देने की प्रतिज्ञा की है। अगर प्रतिज्ञा की है तो वही करो जो मैं बताऊं। गुरुदेव, आप आज्ञा दें तो मैं घनघोर युद्ध करने को तैयार हूं, हर कठिनाई से जूझने को प्रस्तुत हूं। लेकिन मैं उस कन्या से विवाह क्यों करूं जिसे मैं नहीं चाहता, जिसे मैं जानता तक नहीं? क्योंकि राजा का विवाह राजनीति तय करती है, राजा की इच्छा या सनक नहीं। चंद्रगुप्त, यही एकमेव उपाय है जो यूनानियों के साथ हमारा गठबंधन पक्का करेगा। दो दो शत्रुओं को साथ झेलना चाहते हो क्या? तुम एलेना से ब्याह करोगे? नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सुवासिनी को। सुवासिनी? कौन सुवासिनी? शकटार की पुत्री, नंद के सुरक्षा मंत्री की पुत्री। और सुवासिनी से ब्याह करके तुम्हें क्या लाभ होगा? सोचो चंद्रगुप्त, सोचो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है? तुम्हारा स्वप्न क्या है? मत भूलो, तुम्हारा जन्म
प्रेम की रंगरेलियां मनाने के लिए नहीं हुआ है। निकट भविष्य में तुम मगध के पूरे जम्बद्वीप के एक छत्र सम्राट बनोगे। उस सुनहले स्वप्न को साकार करने के लिए तुम्हें एलेना से ब्याह करना है और वो तुम करोगे। पता नहीं तुम तकशीर से लौट सकोगे भी या नहीं। मैं आऊंगा सुवासिनी, शिक्षा पूरी होते ही लौट आऊंगा। नहीं, सम्राट तुम्हारा विद्रोह माफ नहीं करेंगे। ये बिछोने वाले था ना चंद्रगुप्त, हम लोग लकड़ी के लट्ठों की तरह हैं, बहती नदी में अचानक मिल जाते हैं, कुछ देर साथ बहते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। मेरा निर्णय अटल है सुवासिनी, मैं अवश्य लौटूंगा और मगध का सम्राट बनकर ही लौटूंगा। पृथ्वी का लावण्य शब्दों से परे है, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर कर नृत्य कर रही हो। सम्राट की कृपा है ऐसा प्रोत्साहन। शक्तर, हम उसे और प्रोत्साहन देना चाहते हैं, ये केवल हमारे लिए नृत्य करेगी। अवश्य सम्राट, वो आपकी पुत्री समान है। मूर्ख, ये हमारा निर्णय है, वो हमारी पत्नी बनेगी और राज महेशी। किंतु सम्राट, ये कैसे संभव हो सकता है? कहां सुवासिनी की आयु और कहां आप उसके पिता समान। शक्तार, तू हमारा विरोध करता है, राज आज्ञा का उल्लंघन करता है, तू विद्रोही है, बंदी बना लो इसे। सम्राट, आप ये अन्याय नहीं कर सकते। नहीं, ये विद्रोही है। शक्ता, अगर तुमने अपनी पुत्री का विवाह हमसे नहीं किया तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। ले जाओ इसे। पिताजी,